जैतपुर में फायरिंग की सूचना पर पुलिस पहुंचा तो एक युवक एक महिला घायल थी। बिहार के पटना जिले के पिपलावा थाना क्षेत्र के जैतपुर में फायरिंग की सूचना मिलते ही जब पुलिस पदाधिकारी सत्यापन करने पहुंचे तो एक युवक और एक महिला को घायल स्थिति में पाए, जिसे इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। इस मामले की पुष्टि फुलवारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया है। आज दिनांक 19 जनवरी को दोपहर में पिपलावा थाना के अंतर्गत सूचना मिली कि ग्राम जेतीपुर के अंतर्गत फायरिंग हुआ है। सूचना के सत्यापन के लिए थाना ग्राम जेतीपुर पहुंचा तो वहां पता चला कि फायरिंग की वजह से एक महिला और एक युवक घायल हैं। घायलों को तुरंत एम्स अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी हालत अभी ठीक है। साथ ही घटना के संबंध में जो प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल की गई उससे पता चला कि दो पक्षों के बीच में पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था। उसी में एक पक्ष आज नापी करने के लिए आया था और दूसरा पक्ष के द्वारा उसको रोका गया। तो प्रथम पक्ष जो नापी के लिए आया था वो अपने साथ कुछ अपराध कर्मियों को भी साथ लेके आए थे और उन्हीं में से एक के द्वारा और जो स्थानीय लोग उनके द्वारा कहना है कि दो चार और भी लोग थे उनके द्वारा फायरिंग किया गया और जिससे घटनास्थल पे पुलिस को दो खोखा अभी तक बरामद हुआ है तथा जो अपराध कर्मी है और जो दूसरा पक्ष जो प्रथम पक्ष जो नापी के लिए आया हुआ उसको स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी संरक्षण दिए जाने की बात अभी तक सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच करते हुए जो अपराध कर्मी जिन्होंने फायरिंग की और जो दो एक महिला और एक पुरुष को घायल किया है उनकी छापेमारी के लिए प्रयास कर रही है।